हम लोग सवेरे उनकी कुछ गुण महिमा को श्रवण कर रहे थे। कहते इनके अंदर में एक विशेष निष्ठा थी। बोले कौन सा निष्ठा है? बोले श्री गुरु निष्ठा, श्री प्रभुपाद गुप्पर में इनका जो निष्ठा, हमने अपना आंखों से हमने देखा है। जब गुरुदेव बैठे हुए होते थे, श्रील प्रभुपाद, हा प्रभुपाद, हा प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद का नाम हर समय लेते थे। जैसे हम लोग माला में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसी तरह है। कहते गुरुपाद में पद्मजार पद रहे, भक्ति निष्ठा जगत तारी से सही धरे महाशक्ति। इसलिए जिसको कहते ना जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्ते कठिदा धरता प्रकाशन्ते महात्मा। कहते जैसे श्री भगवान का प्रति हमारी भक्ति श्रद्धा निष्ठा है, कहते उसी तरह श्री गुरु जी के चरण में भी वैसा हमारी होनी चाहिए। तभी हृदय में सारे ग्रंथ शास्त्र अपने आप हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होता है। इसलिए इनके अंदर में प्रभुपाद का प्रति जो अगाध निष्ठा है, जो प्रभुपाद के ऊपर में जो इनका अगाध दृढ़ विश्वास अद्भुत रूप में था। हमने देखा अगर कोई व्यक्ति भले ही जितने बड़े व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर प्रभुपाद के धारा से अगर थोड़ी सी भी कोई विच्युत व्यक्ति हो ना, गुरुदेव आदर नहीं करते थे, गुरुदेव उसके आदर नहीं करते थे। कुछ लोग प्रभुपाद को बाद में क्या किया, जैसे बिना काछा के पहनने लग गए हैं। प्रभुपाद ने जो संन्यास बेच दिया था उसको छोड़ करके बाबा जी बेच किसने ले लिया, केवल कुछ मठ लोग का, कुछ मठ के लोग का उपलक्ष्य में। लेकिन हमने देखा उनके मठ के एक समय कोई एक आचार्य था, उन्होंने हमारी गुरुजी से मिलने के लिए आए, वो भी गुरुदेव का गुरु भाई है। उन्होंने गुरुदेव से मिलने के लिए आए, लेकिन गुरुदेव उनसे कोई भी बात नहीं किया। उनका गुरु भाई थे, बड़े दिनों के बाद में सोचा गुरु भाई के मिलने के लिए जाए, उनसे गुरुदेव बात ही नहीं किया। हाँ सिर हिलाते रह गए, लेकिन सिर हाँ हाँ करते रह गए, लेकिन उनसे कोई भी उन्होंने बात नहीं किया। बोले क्यों? बोले प्रभुपाद का धारा से आप चुप्त हो। प्रभुपाद जो नियम दिया ब्रह्मचारियों को काछा पहन करके पहननी चाहिए, आपने वो काछा पहनना छोड़ दिया है, और बिना काछा के पहनते हो, और मठ के लोभ से गुरुदेव का सन्यासी प्रभुपाद का सन्यास को भी त्याग दिया, जो प्रभुपाद को त्याग दिया उनकी धारा को त्याग दिया। और कुछ कुछ तो मठ लोग कहते हैं नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र को जोर जोर से नहीं करनी चाहिए, मन मन में हरे कृष्ण नाम करनी चाहिए हैं। इसलिए आपसे हमारी कोई मतलब नहीं, जो प्रभुपाद की धारा से जो विमुख हो गए। ऐसे हमने देखा गुरु जी का प्रति गुरुदेव का जो गुरु निष्ठा गुरुदेव का था। और हमारे गुरुदेव हमारे मठ में आप जाकर देखना, जो ठाकुर को जो श्रृंगार करते ना बहुत अच्छे तरह से, ठाकुर को जो सजाना, ठाकुर को श्रृंगार करना, हमारे गुरु जी कहते थे ठाकुर जी को जितना अच्छे तरह से उनको सजाओगे, जितने उनकी अच्छी तरह से सेवा करोगे ना, खैर तो तुम्हारे मठ चलाने के लिए कोई चिंता करना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी अपनी आप व्यवस्था कर देंगे। इसलिए हमारे मठ में ज़्यादा लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं भिक्षा के लिए, लेकिन हमारे मंदिर में जो ठाकुर को सेवा होता है, ठाकुर जी को भोग लगता है, जो चीज़ ठाकुर को जो श्रृंगार करते हैं है? जो गुरु जी के मठ में जो झूलन यात्रा होता है एकदम पूरी में सबसे बढ़िया होता है, और ठाकुर का जो सेवा पूजा भोग सबसे बढ़िया भोग लगता है हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे भगवान की केवल सेवा अच्छे तरह से करो, ठाकुर जी की अच्छे तरह से सजाओ श्रृंगार करो, उनको खिलाओ पिलाओ, ठाकुर का सेवा करो। जब भगवान की सेवा करेंगे, पैसा देने वाले कौन है? लक्ष्मी तो पैसा देती ना, कौन देती है? लक्ष्मी की कृपा से पैसा आती है। तब लक्ष्मी अगर कृष्ण सेवा में अगर लगेगा, ठाकुर का सेवा में लगेगा, तो फिर लक्ष्मी तो अपने आप कृपा करेगी, लक्ष्मी अपने आप आएगी। और लक्ष्मी जो ठाकुर को जितने अच्छे सेवा करेंगे, लक्ष्मी क्या करेगी, उसको छुपा छुपा करके धन को दे करके जाती है, लो पैसा लो, क्योंकि मेरे प्रभु की सेवा में मुझे तुम लगा रहे हो। लक्ष्मी
पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म है? अपना पति की अच्छे तरह से अपना पति की सेवा करना। इसलिए हमारे गुरु जी ठाकुर को सेवा पूजा ठाकुर को बड़ी अच्छे तरह से निष्ठा पूर्वक करने के लिए गुरुदेव का आदेश था। और विशेष करके जो यहाँ पर हमारे मंदिर में देखा है, किसने देखा कि नहीं? यहाँ मंदिर देखा है आपने ना, कितना सुंदर यहाँ पर मंदिर सजावट किया है, हैं? कितना सुंदर। पुरी में हमारे गुरु जी के मंदिर को कहते हैं चित्र विचित्र मठ है, बड़ा सुंदर मठ है। इसलिए सबसे पहले मेरे गुरुदेव ने ही जो मंदिर में हम देखते हैं ना रामलीला कृष्ण लीला महाप्रभु का लीला, सबसे पहले हमारे गुरुदेव ये मठ में पहले शुरू किया है। लेकिन जब गुरुदेव ने ये चीज को शुरू किया, कुछ कुछ उनका गुरु भाई कुछ कुछ बोले क्या सब पुतला पुतला बना दिया है, पूरा मंदिर में जो पुतला पुतला क्या सब बना दिया, सारे मंदिर पुतला तुमने बना दिया। लेकिन सब गुरु भाई ने बोले, लेकिन हमारे गुरुदेव ने जब इस चीज को किया, बाद में जितने गौरी मठ लोग देख करके ना सब मंदिर में सब ऐसे ही बनाना शुरू किया है, सबके सब अपना मंदिर में सुंदर सुंदर चित्रकारी किया। तब हमारे गुरुदेव सब चित्रकारी क्यों किया, तो गुरुदेव कहते थे बोले देखो दो तीन कारण है। पहला कारण है बोले ये कलयुग का जीव सहज में अगर कोई मंदिर में आप कथा सुनाएंगे ना, वैसे कथा नहीं सुनेंगे, किसको बैठा करके हरी कथा सुनाओ नहीं सुनाएंगे। लेकिन अगर ये चित्र को देखेंगे ना, महाप्रभु ये लीला क्यों किया, उसको देखते रहेंगे फिर कथा सुनते रहेंगे, ओ महाप्रभु इसलिए ये लीला की है, कृष्ण यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कभी यहाँ पर कृष्ण कैसे जा रहे हैं, वृंदावन छोड़कर कैसे गोपियां भगवान के चरणों पर नीचे लेट हुई हैं। इसलिए जब वो जो लीलाओं को सुना सुना करके गुरुदेव हम जो मंदिर में आए, हमें कथा कैसे सीखे, कथा बोलना कैसे सीखे, ऐसे ही हमारे मंदिर में गुरुदेव कहते थे। एक दिन गुरुदेव सबको लेकर के दिखाया, ये लीला क्या है, ये लीला क्या है, ये लीला क्या है। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो मंदिर में आएंगे उनको इसकी माध्यम से कथा सुनाना है। इसलिए हमारे मंदिर में जब लोग आते थे एक साथ में, हमारे चार पांच ब्रह्मचारी सन्यासी जो वहां पर वो वहां पर वहां पर बैठ करके हरि कथा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे मंदिर में हरि कथा रूपी अग्नि हर समय मंदिर में प्रज्वलित रहनी चाहिए है। अगर हरि कथा नहीं होगा तो फिर ग्राम्य कथा होगा, दुनियादारी की बात होगा। लेकिन जब हम हरि कथा सुनेंगे, हरि कथा चर्चा करेंगे, आपस में जो इतर चीज अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन हरि कथा नहीं बोलेंगे तो फिर ग्राम्य वार्ता बोलेंगे है। इसलिए गुरुदेव बोलते इसकी माध्यम से ऐसे ही लोग कलयुग में इसको माध्यम से ही प्रचार होगा कलयुग में। और जो मंदिर में आएगा भगवान कम से कम लीला देखेगा तो भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, ठाकुर जी ने ये किया, कम से कम उसका हृदय में ये छाप पड़ेगी। इसलिए हमारे गुरुदेव मठ में आप जाकर देखना, जैसे महाप्रभु का जो शिक्षाष्टक है, रूप गोस्वामी का उपदेश अमृत है, और रस तत्व जीव तत्व गुरु तत्व है, इसलिए कृष्ण तत्व सबके सब दीवार में लिखा हुआ है, सारे का सारे दीवार में सब लिखा हुआ है। कहते लोग कम से कम आकर के इसको पढ़ेंगे तो उनका कल्याण होगा, उनका मंगल होगा। इसलिए सारे दीवार में गुरुदेव ने सब लिख करके गए। इसलिए हमारी जो मठ है कहती ये जीवंत सख्यात रूप में ये जीवंत है, कहती ये सख्यात जीवंत लगेगा। जैसे मंदिर में हमारे मंदिर में जाओ, कभी जा करके देखो, हे मन खुश हो जाता है इतना सुंदर सुंदर लीलाओं को दर्शन करते हुए। इसलिए गुरुदेव सबसे पहले हमारे गुरुदेव ने ही ये चीज को उन्होंने स्थापन किया है। अभी सारे गौड़ीय मठ में देख करके सबके सब के सब ये कर रहे हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने गौड़ीय गति पूछा, इसलिए महाजन पद्यावली है उसमें, जिसमें खाले जिसमें सब गुरु वर्गों का जितने वैष्णव का जो भजन कीर्तन है उसमें हमारे गुरुदेव ने प्रभुपाद का कुछ जीवनी लिखा है संख्या रूप में। गुरुदेव की इच्छा थी प्रभुपाद का जीवनी को एकदम विस्तृत रूप में लिखा जाए। प्रभुपाद ने क्या किया किया क्या क्या नहीं किया, गुरुदेव की इच्छा थी एक बहुत बड़ी ग्रंथ निकालने के लिए, लेकिन गुरुदेव का समय नहीं हो पाया। तब भी गुरुदेव ने संक्षेप रूप में प्रभुपाद का जीवनी उन्होंने लिखा, बहुत अच्छे तरह से लिखे। बोले प्रभुपाद कौन है, बोले ये श्रीमान महाप्रभु को, महाप्रभु का ये कृपा शक्ति, ये प्रभु महाप्रभु का ये कृपा शक्ति है। ये श्रील भक्ति सिद्धांत
सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद हमारे गुरुदेव ने बताए, प्रभुपाद कहते जो साधारण व्यक्ति थे उनको पास में उन लोगों ने प्रभुपाद को क्या समझा, कहते भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये उपाधि किसने दिया है। तथा कथित जितने बड़े बड़े विद्वान लोग थे प्रभुपाद के अंदर में विद्वता को देख करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती, सरस्वती मतलब सरस्वती हैं, भक्ति सिद्धांत में दूसरे श्री सरस्वती है। इतने बुद्धिमान थे प्रभुपाद, इतने बुद्धिमान, इनकी विद्वता को देख करके बड़े बड़े लोग आश्चर्य हो जाते थे हैं। इसलिए उस समय में इनकी विद्वता को देख करके यूनिवर्सिटी में जो ज्योतिष विभाग जो यूनिवर्सिटी था बोले ये प्रिंसिपल पद को अब स्वीकार कर। प्रभुपाद ने कहा देखो ये ईट पत्थर ताराओं को मैंने गिनने नहीं आया, मैं तो महाप्रभु का एक पियन हूँ, महाप्रभु का द्वारा भेजा हुआ होकर के आया हूँ जगत में, महाप्रभु का वाणी जगत में प्रचार और प्रसार करने के लिए, ये ईट पत्थर का मिस्त्री बनने के लिए मैं नहीं आया। प्रभुपाद मना कर दिया, प्रभुपाद ने ग्रहण नहीं किया वो पद को। तो उन लोगों ने बताया प्रभुपाद आप जगत में जब तक ये जगत में आप रहोगे ना ये जो कुर्सी आपके लिए खाली रहेगा, ये कुर्सी में आपके सिवाय कोई बैठ नहीं सकते। सचमुच से जब तक प्रभुपाद रहे कुर्सी खाली रहा। इसलिए गुरुदेव कहते थे प्रभुपाद जो अनर्थ युक्त जो साधारण व्यक्ति को पास में और एक रूप में देखते थे ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती, लेकिन जो माया से मुक्त है, हैं जो माया से मुक्त जीव उनका जो परिकर है उनको पास में प्रभुपाद क्या दिखते थे, बोले वृषभानो सुता दै तानो चरम चरणाश्रितरे नो धरस्त महादूत पावन शक्ति पद प्रणमामि सदा प्रभु पाद पद। चले उनका अपना निजजन के पास में किस रूप में कहते श्री श्री भार सभान विदेवी दहिताय कृपा, राधा रानी की ये निजजन है, राधा रानी की राधा रानी की नयन मणि मंजन रूप में उनका अपना जन को पास में इस रूप में प्रतिभात होते थे हैं। इसलिए तब गुरुदेव ने बड़े सुंदर उनका जीवन लिखे, कहते जैसे श्री राधा रानी सूर्य पूजा करने जाती थी, थोड़ी सूर्य पूजा करने जाती थी, सूर्य पूजा का बहाना बना करके श्री श्याम सुंदर के लिए मिलने जाती थी, उसी तरह प्रभुपाद को हैं साधारण रूप में क्या दिखता है, बहुत बड़े आचार्य है, ये बहुत बड़े आचार्य है जगत में आए हैं, इतने बड़े आचार्य अभी तक नहीं आए। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे अभी तक जगत में जितने आचार्य आए हैं एक तराजू लो, तराजू का एक तरफ में उनके सारे वैशिष्ट तक एक तरफ में रख लो, लेकिन प्रभुपाद का वैशिष्ट अवदान को अगर दूसरे तरफ में रखोगे तो इनका पल्ला भारी पड़ेगा, इतने बड़ी बात कहते थे। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद का जो अंदर जो बड़े गुड़ो गुड़ो रहते तत्व को हमारे गुरुदेव ने ग्रंथ माध्यम में प्रकाशित किया, और प्रभुपाद का जो मनोभीष्ट है, आज भी आए थे ना प्रसाद पाने के लिए दूसरे मठ से, वो लोग बोल रहे थे उनका जो भक्ति प्रमोद शिलपुरी गोस्वामी महाराज कहते थे, श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज इन्होंने प्रभुपाद का जो मनोभीष्ट है, प्रभुपाद ने जो बोल करके गए थे ये प्रस्थान त्रयी ये तीनों ग्रंथ के ऊपर में अपना संप्रदाय का अनुरूप भाष्य होनी चाहिए, ये प्रभुपाद का मनोभीष्ट को हमारे गुरुदेव ने पूर्ण किया और अनंत ग्रंथ रूप में प्रकाशित करते हुए उन्होंने जगत में वो वाणी को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसलिए हमारे गुरुदेव कद्देश श्रीमान महाप्रभु जगाई माधाई को उद्धार किया, हमारे गुरुदेव भी जगाई माधाई को उद्धार किया है। कद एक व्यक्ति था जिसका था तीन पत्नी, एक तो उड़िया और एक बंगाली, और वैसे एक तो उसको पाल कर रखता था, बड़े पैसा वाला आदमी था, देखने में लंबे चौड़े काले रंग लंबे चौड़े भयंकर रूप था, और एक साथ में तीन चार किलो मांस खा लेता था वो आदमी, और शराब पीता था। जब उसको पेट में
है, उसका पेट में जब शराब पीने का समय आता ना, बड़ा पीड़ा होता था। जब तक वो शराब नहीं पिएगा और मांस नहीं खाएगा, उसको कलकत्ता में 3-4 दुकान था, क्योंकि उस समय बड़ा गुंडा था, है? जैसे धनुर्धर हम सुनते रामानुज का समय पर, धनुर्धर ये दूसरा धनुर्धर बड़ा भयंकर गुंडे, इसका नाम सुनते लोग कांप उठते थे, हैं? लेकिन उसको 3-4 वैसे पत्नियां हैं, और जिस समय कोई शराब का दुकान होता है ना, जब ये अंदर में घुस जाएगा और जितने शराब जो भाग जाएंगे, कोई नहीं बैठेगा इसका डर से। हर ये मांस खा करके और शराब पी करके जितना ये टेबल फुबल उठा करके घुमाना शुरू कर देता है, टेबल फुबल उठा करके सब लोग डर के मारे भाग जाते थे, भयंकर था। लेकिन इसको द्वारा तो जीव को परम शांति नहीं मिलता है, हैं? जैसे पिंजरा है, इसके अंदर तोता बैठा हुआ, लेकिन अगर तोते को अगर खाना नहीं खिलाओ, पिंजरा को पेंटिंग करते रहो, थोड़े तोता रहेगा मर जाएगा, लेकिन इसको शांति नहीं मिलती थी। एक दिन नवद्वीप गया, रहता था कलकत्ता, नवद्वीप में गया और वहां पर हमारे गुरुदेव का मंदिर शराब पी कर गया हुआ था, और वहां पर मृदंग बजा कीर्तन हो रहा था। आप देखना जो लोग शराब पीते है ना, है अगर थोड़ा बजे तो ना बढ़िया, वो नृत्य खूब करते, नाचते, शराब पी कर रखे ना, वो खूब नाचते हैं, वो नाचे खूब कीर्तन में नाचे, तो इनको रूप देख कर तो मंदिर का लोग दूर गए, मुंह से बदबू आ रहा है शराब का, है? लेकिन इतने में उस समय तो पैसा वाला व्यक्ति था, उसने क्या किया, पकड़ से 5 रुपया निकाल करके मंदिर में दे दिया। 5 रुपया उस समय भी बड़ी कीमत था। देख करके ठाकुर का जो रजनीगंधा की छोटा बड़ा मोटी माला था, उन्होंने क्या किया, वो ठाकुर जी की माला हमारे जो पुजारी ना इनके गला में दे दिया, कुछ प्रणाम दिया, दे दिया। अभी ठाकुर का कीर्तन में एक तो नृत्य किया, उसको बाद में फिर ठाकुर का प्रसाद का माला मिला। पता नहीं पूर्व जन्म में किया था भाग्य इसकी, पता नहीं इसका बुद्धि अचानक कैसे बदला, कहते मैं दीक्षा मंत्र लूंगा, मुंह से शराब की मधु है, बोले मैं दीक्षा मंत्र हमें चाहिए, गुरु जी यहाँ कौन है, हमें दीक्षा मंत्र दो। वहां पर एक हमारी महाराज थे, उनका नाम भी नारायण था, तो उनको पास में जाकर के बोले मैं दीक्षा मंत्र लूंगा, गुरु जी कहाँ है, हमको शांति जीवन में नहीं मिल रहा है, जीवन में सुख नहीं मिल रहा है, शांति कैसे मिलेगा। तो उन्होंने बोल दिया, देखो हमारे गुरु जी कलकत्ता में है, अब कलकत्ता में, बोले कहाँ पर, वो कलकत्ता में रहने वाले था, तब बोले 29 हजार और वहीं पर मिलना गुरु जी, वहीं पर दीक्षा मंत्र देंगे। वो आया वहां से आकर गुरु जी को पास में गया, शराब पी करके डोलते हुए गुरु जी के पास में गया, गुरु जी को प्रणाम किया। और हमारे जो गुरु जी जो चेहरा था ना, इतने लंबे चौड़े हमारे गुरु जी थे, भी वो दर्शनधारी लंबे चौड़े थे, ये शरीर क्या था, है उनका जंगा हमारे छाती जैसे कि जंगा होगा हमारे गुरु जी की, कभी कभी उनको फटो देखना, बड़ी लंबे चौड़े गुरुदेव थे, इसलिए गए उनको रूप देख करके। हाँ उनका आप कहते ना, पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी, पहले जो उसकी साधु का लंबे चौड़े देखो, व्यवहार के महाराज जैसे लंबे चौड़े एकदम, उसको देख करके ना साधु को उन्होंने प्रणाम किया, बोले गुरु जी हम दीक्षा मंत्र लेंगे, मैं दीक्षा मंत्र लूंगा। तो गुरुदेव ने कहा, देख बेटा, उसको मुंह से बदबू आ रहा था, बोले दीक्षा मंत्र लेने के लिए 4 नियम पालन करना पड़ता है। बोले क्या है, बोले पहला नंबर शराब नहीं, ये दुतम जुआ नहीं खेल सकते हो, किसी तरह का नस्ली वस्तु पान बीड़ी सिगरेट शराब ये सब छोड़ना पड़ेगा, और अवैध स्त्री संग और जीव हिंसा मांस मछली छोड़ना पड़ेगा, छोड़ सकते हो सब चीजों को। बोले गुरुदेव, जब मेरा मांस और शराब पीने का समय आता है ना, वो इतने दर्द करता है, जब तक 3-4 किलो मांस नहीं खा लेता हूँ और शराब नहीं पी लेता हूँ पेट भर करके, मेरा पेट दर्द सही होता ही नहीं, इसके बगैर मैं तो रह ही नहीं सकता हूँ, मैं कैसे रहूंगा। तो गुरुदेव ने कहा, देख बेटा, जब तुम हरिनाम करोगे भगवान का आशीर्वाद सब सही हो जाएगा, इसलिए इस सब चीज को छोड़ दे। लेकिन उसका लोभ हो गया था, दीक्षा मंत्र लूंगा, लोभ हो गया था। तो गुरुदेव ने कहा, देख बेटा, अगर जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो, ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और तुमको अकेला हम दीक्षा मंत्र नहीं देंगे, लोग तो पत्नी को साथ में, क्योंकि बंगाल में पत्नी तो रसोई बनाएगी, लेकिन वो सब उधर से मांस मछली खाने वाले हैं, बोले पहले पत्नी को समझाओ, फिर पत्नी को ला, फिर दीक्षा मंत्र मिलेगा। तो आई आ करके अपना पत्नी से बोली, दीक्षा मंत्र लूंगा, गुरु जी के पास में गया था, और गुरु जी ने कहा अकेला नहीं, पत्नी को साथ में, और बोले ये शराब मांस मछली छोड़ना पड़ेगा, तुम छोड़ दोगी, मैं तो इच्छा मैं छोड़ दूंगा, गुरु जी ने बोले हरिनाम करने से सही हो जाएगा। वो तो राजी हो गए, क्योंकि वो जो
मांस खा करके आता था उसका तो ज्ञान नहीं रहता था। एक रिक्शा वाला ठीक किया हुआ था, वो ला कर उसको घर को सामने छोड़ देता था और उसका पत्नी घर में उसको नहीं घुसाया करती थी क्योंकि शराब पीकर मार पीट करता था, इसलिए दरवाजा बंद कर रखती थी। वो रात भर बाहर पड़ा रहता था, सवेरे जब नशा उतरता था पत्नी उसको घर में घुसाया करती थी। बोले अच्छी बात, अगर शराब फराब मांस छोड़ देगा तो जीवन ही बदल जाएगा, हमारे घर ही बदल जाएगी है, इसलिए राजी हो गए। बोले हाँ मैं तो लूंगा। फिर पत्नी बोले करके आए, गुरुदेव मंदिर में कथा सुना रहे थे, ये जीवन कितना दुर्लभ है, अब ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान जीव को जीवन में जब दुख कष्ट की समाप्ति का समय आता है तभी जीवन में ये साधु संघ प्राप्त होता है, साधु संघ सहज में नहीं मिलता है साधु संघ। गुरुदेव सब कथा सुना रहे थे, उनकी पत्नी राजी हो गई। जब से उन्होंने हरिनाम लिया गुरु जी से, आश्चर्य बात है महापुरुषों का, जिस समय से हरिनाम लिया, जिसका जो पेट यंत्रणा होता था ना, जब शराब मांस नहीं खाए उसी दिन से उसका पेट दर्द वर्द खत्म, एकदम सही हो गया है। पहले दीक्षा मंत्र लिया, गुरु जी का इतना प्रिय भक्त, जैसे धनुर्धर कहते हैं ना, इतना प्रिय भक्त गुरु जी के बना, गुरुदेव के लिए गाड़ी उन्होंने दिया। अब गुरु जी जहाँ प्रचार कर ले जाते थे स्वयं ड्राइविंग करता था, जब घर से आता था ना उसका बड़ा बड़ा दुकान था, और एक था तेल भाजा दुकान, पकड़ा पकड़ा बहुत बहुत, वो जब आता था इतना ले करके आता था। फिर जब आता था कलकत्ता से वृंदा, ये पूरी आता था, हम लोग थे ना, उनका नाम था सुदर्शन, ये नाम सुनते ही मठवासी खुश हो जाते, सुदर्शन दादा आ रहे, सुदर्शन दादा खाने पीने का चीज लेकर आएगा, मिठाई मिठाई, और खुद बड़ा बहुत अच्छे रसोई बनाना जानते थे, अपने हाथों से हर दिन रोज रोज पकौड़ा पकड़ा खुद, और जो आलू का जो चप और एक वेजिटेबल चप होता था इतने बढ़िया बनाता था, अपना हाथों से बना बना करके वैष्णव को खिलाया करता था। और जब आते थे ना हमारा मठ के सारे ब्रह्मचर खुश हो जाते, हे सुदर्शन दादा आ रहे, बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाएगा, मतलब जैसे महाप्रभु ने जगह माधाई को उद्धार किया ना, हमारे गुरुदेव भी ऐसे ऐसे एक लोग नहीं, ऐसे कितने लोगों को मेरे गुरुदेव ने, कितने लोगों को, कितने जगह माधाई को गुरुदेव ने उद्धार किया, और चरण में स्थान दे करके उनको भगवत भक्ति जगत में उनको उन्होंने लगाया। इसलिए इनके गुण अथाह गुण है। हमारे बीच में श्री समानंद प्रभु, इधर आ जाओ, आ सकते कहीं, ये कुछ गुरु जी के चरण में पुष्पांजलि अर्पण करेंगे श्री श्यामानंद प्रभु, जल्दी आ सर, कौन चिंता कर सकते, पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे में अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके अहित की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसी श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके अहित की कृपा वांछा करता हूँ। परम गुरुदेव वर्गण नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जगत गुरु श्रील प्रभुपाद समय सोपाद सत प्रभुपाद रूपानुग गुरुवर्ग रूपानुग गुरु परंपरा अनंत कोटि वैष्णव वृंद चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके अहित की कृपा वांछा करता हूँ।
उपस्थित समस्त गुरु भ्राता वृंद वैष्णव वृंद समस्त चरण यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज एक विशेष स्थिति है कि हमारे परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदसी श्रीमद भक्ति शिरोशील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के आज शुभ तिरोभाव तिथि है। जब वैष्णवों की तिथि आता है तो प्रभुपाल क्या बोलते हैं ना, इसको एक अच्छे नाम देते हैं कि सुमेध तिथि। सुमेध तिथि क्या है ना, ये वैष्णव का आविर्भाव और वैष्णव का जो तिरोभाव, ये तो नाम मात्र है, आविर्भाव तिरोभाव कहे मात्र वेद। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो वैष्णव का गुणगान होता है और उसी गुणगान को किस किस चीज के लिए होता है, क्योंकि वो गुणगान हमारे लिए ही है। और वो गुणगान क्यों होता है कि क्योंकि इनके जीवन में जो इन्होंने जो आचरण किया, जिस भाव में गुरु वैष्णव का सेवा किया, और ताकि हम उसको थोड़ा ही स्पर्श कर सकें, इसी भाव से ही इनके तिथि को पालन किया जाता है। जैसे हमारे गुरुदेव तो बोलते हैं कि वैष्णव का तिथि में जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े उत्सव हो, जरूरी नहीं है कि बहुत बहुत अरेंजमेंट हो, उनके आरती हो, बस वैष्णव अगर कुछ उपलब्ध है तो करेंगे, अगर उपलब्ध नहीं है तो केवल उनके गुणगान और केवल उनके जय ध्वनि मात्र से ही वैष्णव तिथि का पालन हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि एक बार हमारे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज दिल्ली में किसी एक भक्त के घर में थे, तब उसी समय श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की तिथि आया, तो उन्होंने एक उनको भक्त को पूछा कि आपके पास भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज का कोई फोटो चित्र है, आलेख चित्र है? तो उन्होंने बोला, तो गुरुजी नहीं है हमारे पास। तो बोले कि उनके द्वारा कोई रचित ग्रंथ है? बोले हाँ ग्रंथ है। और उसी ग्रंथ को आरती किए और वैष्णव उत्सव किया। तो ऐसे ही एक समय गुरुजी विदेश में थे हमारे गुरुदेव, और उसी समय हमारे परम गुरुदेव की तिथि आया श्री श्रीमद भक्ति शिरोशील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के। तो उन्होंने भी ऐसे वहां से पूछा कि परम गुरुदेव का ऐसे कुछ विशेष पट्टचित्र है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो ऐसे हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने जय ध्वनि दिया और केवल गुणगान किया, क्योंकि वैष्णव के आविर्भाव और तिरोभाव में जो गुणगान होता है वही वास्तविक उत्सव है और वही सुमेध है। प्रभुपाद के भाषा में बोलते हैं सुमेध तिथि, कि वो सबको क्या करेगा ना, कल्याण प्रदान करता है कि वैष्णव गुणगान करे ले जीवित्रण सुनिए अच्छे साधु गुरु मुखे। तो आज तो हम सुबह से उसी भाव में डूबे हुए हैं कि गुरु वैष्णव के मुख से श्रवण कर रहे हैं। और एक विशेष दृष्टांत मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि परम गुरुदेव के चरण में वाचनिक पुष्पांजलि देना चाहता हूँ कि इन्होंने प्रभुपाद के कैसे मनोभीष्ट को पूर्ण किया। कि बोलते हैं जब एक समय क्या हुआ ना, श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज ने इनके गाँव पे गए, तो इन्होंने क्या किया, भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज का पहले दर्शन किया, फिर उनके कीर्तन श्रवण किया, फिर उनके कीर्तन श्रवण करते करते देखते देखते ये आकृष्ट हो गए, फिर जाके देखने लगे क्या हो रहा है इतना अच्छे, मतलब देख के ही प्रभुपाद को पार्षद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज को देखते ही वो क्या हुए ना, एक स्वाभाविक अटैचमेंट रहता है कि वो देखने लगे इनको मैं शायद कहीं से देखा हूँ, पूरा वो देखते ही रह गए और दर्शन से वो पहले आकृष्ट हो गए, फिर उसके बाद कीर्तन सुने उनके और कीर्तन से और भी आकृष्ट हो गए, फिर उनके बाद उनके जो नर्तन देखे नर्तन से और भी आकृष्ट हो गए, और इनके जो नर्तन देखे तो ये इतने तो पूरा लंबा चौड़ा ही थे हमारे परम गुरुदेव, इतने जोर से छलांग लगा के कीर्तन किया कि वो जहाँ पे वो स्टेज था वो सारे स्टेज में बस यही देख रहे हैं, परम गुरुदेव पूरा छलांग लगा रहे कि पूरा ऐसे सबसे हाइट थे तो वो देख रहे नर्तन कर रहे। फिर उनके हरि कथा सुनी, तो श्री परम गुरुदेव लिखते हैं कि मैंने श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज को जो उन्होंने जो प्रभुपाद के संदेश वाहक रूप में जो चार चीज किया, क्या किया ना, ये दर्शन किए, कीर्तन किए और नर्तन किए और उनके जो हरिकथा को श्रवण किए, उसमें से बोलते हैं कि मेरा जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये चार चीज मेरा नष्ट हो गया। अवश्य ये महाभागवत है, श्री भक्ति
हमारे परम गुरुदेव। लेकिन हम जैसे बद्ध जीव को शिक्षा देने के लिए बोल रहे हैं कि वैष्णव के दर्शन से भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का नष्ट हो जाता है। दर्शन है पवित्र कर ये तुम्हार गुण, दर्शन करते हैं तो तब हम किसी वैष्णव को दर्शन करते हैं, फिर उनके बारे में जानते हैं, फिर वही वैष्णव के थ्रू से हम गुरु वैष्णव के पास आके उनकी शरणागति होते हैं और वैष्णव की सेवा करने लगते हैं। फिर कीर्तन से भी क्या होता है ना, हम चित्त का शोधन होता है। फिर नर्तन से और हरि कथा श्रवण, ये चार चीज ही क्या होता है ना, वास्तव में जन्म मृत्यु जरा व्याधि को पूरा का पूरा जड़ से उखाड़ने वाले हैं। तो इन्होंने वास्तविक रूप में प्रभुपाद का जिस रूप में सेवा किया, प्रभुपाद क्या चाहते थे ना, प्रभुपाद चाहते थे कि जैसे श्रीमन महाप्रभु चाहते थे कि जितने भी नगर में है, कि जितने भी दुनिया में मेरे नाम को क्या हुए ना, प्रबल मात्र में सर्वत्र प्रचार हो मेरा नाम, सारे के सारे जगह पे महाप्रभु का नाम को प्रचारित हो। इसी भाव को लेके हमारे गुरु परंपरा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने क्या किया ना, बहुत मात्रा में प्रचार किया। और उनके ही समय में उनके ही कुछ पार्षद लोग ने इसको और एक नए ढंग से प्रचार किया। न कैसे ना, श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव, और श्री श्रीमद भक्ति प्रसन्न बोधन गोस्वामी महाराज, ऐसे प्रभुपाद के बहुत सारे पार्षद थे। इन्होंने किया ना, प्रभु जितने भी सारे लीला है उसको प्रदर्शनी में क्या किया, सारे के सारे जगह में एक एक प्रदर्शनी लगाया, और प्रदर्शनी के माध्यम से महाप्रभु को जो बहुत सारे लोग महाप्रभु को उस समय पे भी नहीं जानते थे, और जो मायावादी लोग इनको देखते ही बहुत सारे उल्टा सीधा बोलते थे कि महाप्रभु कहाँ से, भगवान भगवान कुछ नहीं, तो इसी भाव को उन्होंने कैसे बताया कि श्रीमद् भागवत में कहाँ कहाँ शास्त्र दिया, शास्त्र में प्रमाण दिया हुआ है कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, कृष्ण कैसे स्वयं भगवान है, उनके जो पट्ट चित्र को लेकर इन्होंने क्या किया ना, प्रदर्शनी किया। और प्रदर्शनी में ऐसे मात्रा में प्रचार हुआ कि वो देख के प्रभुपाद बड़े खुश हो गए। और उस समय पे बोलते हैं कि श्री गुरु वैष्णव से सुना हो कि श्री श्रीमद भक्ति प्रसन्न बोधन गोस्वामी महाराज ने एक चलचित्र, एक फिल्म मैजिक लेंटर, उसमें क्या किया ना, ये पहले मैजिक लेंटर मतलब नाम से ऐसा है कि सब लोग सुनने लगे कि यहाँ पे कोई ऐसे मैजिक मतलब जादू होना है, जादू वाला वर्ड है, तो सब लोग पूरा टिकट खरीदने लगे। और अंदर जाके देखे तो पहले तो थोड़ा थोड़ा दिखाया, अब ये क्या जादू दिखाते हैं कि जैसे कृष्ण लीला में क्या होता है ना, कृष्ण कैसे काले के ऊपर दलन करते हैं, बकासुर को कैसे करते, ये सब जादू दिखाए। और पूरा महाप्रभु के सारे लीला को उसी चलचित्र में क्या किया ना, पूरा दिखाए। तो वो देख के वो जितने भी लोग थे वो आकृष्ट हो गए और सारे के सारे लोग वहां पे आने लगे। इसी धारा में ही हमारे परम गुरुदेव ने प्रभुपाद के जो मनोभीष्ट को विशेष रूप में सेवा किया ना, क्या किया ना, इनके जितने भी मठ मंदिर है इन्होंने क्या किया ना, सारे के सारे कृष्ण लीला और सारे के सारे जो महाप्रभु के लीला, सारे के सारे जो लीलाओं है सुंदर सुंदर लीला, उनको अपने मंदिर में सारे के सारे विग्रह के रूप में दर्शन मतलब मठ में किया गया ना, विग्रह बनाया। तो यही वास्तविक इनके मनोविष्ट क्या है ना, ये लोग जो साधारण लोग क्या करे ना, ये जो विग्रहों को देखे और मठ में जो सेवा करते हैं, ये वास्तविक में ये विग्रहों को देखे, देख के क्या करे ना, उसी लीला को स्मरण करते करते हुए सेवा करे और उसी लीला में क्या हुए ना, जान सके। तो ऐसे एक श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि एक बार हमारे परम गुरुदेव की तिथि में वहां पे, यहाँ पे जो पुरी में सारस्वत गोड़े मठ है, वहां पे जैसे भी जितने ही परम गुरुदेव के मठ है, सारे मठ का तो चित्र विचित्र गोड़े मठ ही बोलते हैं, तो वहां पे श्रीमद भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज का एक आश्रित मुकुंद पंडित शायद उनका नाम, तो वो वहां पे गए थे। तो सब लोग वैष्णव लोग आए थे और भक्ति पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज भी वहीं पे थे। तो उस जगह पे क्या हुआ ना, जब उन्होंने प्रभुपाद परम गुरुदेव के सारे जितने भी जो चित्र है, सारे जितने भी जो विग्रह है, सबको सबको जो देख के
बड़े उनको आनंदित हुआ वो पंडित को, और पूछने लगे ये क्या है वो क्या है, और इतने पूछते पूछते उन्होंने वो जो वृंदा देवी के विग्रह को देखा, और उन्होंने वृंदा देवी के विग्रह में देखा कि उन्होंने पूरा नासाग्र में किया है मुक्ता, और बहुत सारे अलंकार में सुशोभित होके ऐसा एक विग्रह है। तो उन्होंने बोला हमारे परम गुरुदेव के किसी आश्रित को, उन्होंने बोला कि प्रभु जी ये विग्रह ऐसे ही बना दिया, शास्त्र में तो कहीं प्रमाण नहीं है कि वृंदा देवी ऐसे ऐसे रूप में विचित्र विचित्र रूप में क्या करते हैं ना, अलंकार धारण करते हैं, मुक्ता धारण करते हैं, और नाक में नासाग्र मतलब क्या कहते हैं ना जो नथनी वो धारण करते हैं, तो ये ऐसे ही काल्पनिक है क्या, मनगढ़ है क्या, ऐसे विग्रह बना दिया। तब उन्होंने जो हमारे परम गुरुदेव के आश्रित ने वो बड़े सरल थे, तो उन्होंने बोल दिया कि देखिए ये तो गुरुदेव को ही पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ गुरुवर्ग जो भी करते हैं वो बिना प्रमाणिक को कभी हो ही नहीं सकता, वो निश्चित भाव में कुछ ना कुछ उसके अंदर गूढ़ रहस्य होगा। तब श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ने वहां पे खड़े हो गए, और जो भक्ति विज्ञान जाजर गोस्वामी महाराज की जो आश्रित मुकुंद पंडित को वहां पे बोले कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, जिन्होंने वेदांत सूत्र और बहुत बहुत बड़े बड़े टीकाकारों का रचना की और सिद्धांत करना ऐसे बहुत बहुत अपने टीका लिखी, और उनके द्वारा ऐसा भूल हो सकता है क्या, वो ऐसे एक महान प्रामाणिक जो वैष्णव है वो क्या काल्पनिक जैसा कोई विग्रह बना सकते हैं, ये क्या वास्तविक प्रभुपाद का सेवा है, ये क्या वास्तविक में प्रभुपाद जिस चीज को देना चाहते थे, इसमें निश्चित रूप में ही एक गूढ़ रहस्य छुपा होगा। तो तब उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित वृंदा देवी अष्टकम में बोलते हैं नासाग्रे वरम मोक्तिकम बिंबाधरे द्वितरमंद हास्य बिंबाधरम द्वितरमंद हास्यम नासाग्र मुक्ता द्युतिदीपितास्यम विचित्र रत्नम भरणश्रेत वृंदे नमस्ते चरणारविंदे। कि इन्होंने बोला कि आपको मुझे लगता है कि आप कभी भी वो जो प्रभुपाद भक्ति क्या उनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित ये वृंदावष्टकम आप कभी भी पाठ नहीं किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि इनका क्या है अधर बिंब सदृश नासाग्र मुक्ता, इनके नाक में क्या है ना विशेष रूप में मुक्ता है, और ये बात को सुन के ही वो जो पंडित था वो तो घबराने लगा। तो श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि गुरु वैष्णव के कौन सी भी प्रतिक्रिया में जो कुछ भी करे उनके प्रतिक्रिया में, और कुछ भी विग्रह स्थापित किए कुछ भी ग्रंथ स्थापित किए उसमें हमारे बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे तो ऐसे ही जड़ बुद्धि है, हमको मान लेना चाहिए कि वैष्णव जो भी करते हैं उसमें विशेष रूप में कुछ गूढ़ रहस्य ही होगा। और ये कैसे भाव में निर्भीक थे कि बोलते हैं कि एक बार श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज और श्री श्रीमद भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज और श्री श्रीमद भक्ति शिरोमणि सिद्धांत गोस्वामी महाराज हमारे परम गुरुदेव, उस समय श्री श्रीमद भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज ब्रह्मचारी थे, हयग्रीव ब्रह्मचारी, और हमारे गुरुदेव परम गुरुदेव सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी थे। तो उस समय क्या हुआ ना, इन्होंने प्रभुपाद से ही प्रभुपाद ने प्रेरणा से ही एक जगह पे प्रचार करने गए थे, सिलेट नाम का ऐसा कुछ है बंगल में, तो वहां पे प्रचार करने गए थे। तो शाम को हरिकथा थी, और हरिकथा ने सबसे पहले हमारे परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज उस समय सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी उन्होंने क्या किया ना हरिकथा परिवेशन की, और उनके हरिकथा ने परिवेशन करते करते सारे के सारे जो मायावादियों का खंडन किया, और मायावादी को खंडन करते करते उन्होंने उसी जगह पे सिलेट में कैसे क्या हुआ था ना, जो रामकृष्ण परमहंस और जो विवेकानंद द्वारा स्थापित जो रामकृष्ण मिशन वो ज्यादा से ज्यादा फैला हुआ था, बहुत सारे लोग उन रामकृष्ण परमहंस को विश्वास करते थे। तो उन्होंने क्या किया, बोलते ही बोलते कथा में बोल दिया कि जो रामकृष्ण परमहंस है वो परमहंस नहीं वो बड़ा हंस है, दिखने में तो बड़े है लेकिन उनके जो हंस मतलब वो हंस नहीं है, वास्तविक हंस क्या करता है ना जो खीर में जो दूध में उससे दूध दूध पी के जो पानी पानी को छोड़ देता है,
लेकिन ये क्या करते हैं, ये पानी पानी को पी के दूध दूध छोड़ रहे हैं। और ऐसे ऐसे बात बोले कि जो विवेकानंद है वो अज्ञानी नंद है, मूर्खानंद है। तो ऐसे बात सुन के उनके जो उनको जो मानने वाले कौन ना, जो विवेकानंद और जो पर रामकृष्ण परमहंस को उनको जो मानने वाले वो लोग बहुत बड़े भड़क उठे। कथा में ही बीच में उठ के उन्होंने क्या किया ना, आंदोलन पूरा स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, पूरा झगड़ा करना शुरू कर दिया। और रात ही रात पूरा दंगा मच गया कि कहीं से तीन लोग आ गए और उन्होंने क्या किया ना, विवेकानंद को मूर्खानंद और रामकृष्ण परमहंस को बड़ा हंस, ये दिखने में तो बड़ा है लेकिन हंस हंस कुछ भी नहीं है, ऐसे अपशब्द बोला। तब वहां पे ऐसे हुआ कि वहां का जो कलेक्टर जो जिला न्यायाधीश थे उन्होंने श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज और ये तीनों को बुलाए। तो तब श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज ने हयग्रीव ब्रह्मचारी प्रभु को बोले कि प्रभु जी आप जाओ। तब हयग्रीव ब्रह्मचारी प्रभु ने वहां पे गए और कलेक्टर से बात किया और बोले कि देखिए हम आपको प्रतिज्ञा देते हैं कि कल शाम को जिस ब्रह्मचारी ने हमारे कथा परिवेशन किया आज वो ब्रह्मचारी कथा परिवेशन नहीं किया, नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे पूरा अंडरटेकिंग लिख के दिया कलेक्टर को। तो उन्होंने फिर क्या किया ना, तीन दिन का प्रचार था तो एक दिन तो ऐसे चला गया था और दो दिन का प्रचार करने वाले थे। तो दो दिन प्रचार में इन्हें अंडरटेकिंग लिख दिया कि हमारे परम गुरुदेव सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी कल शाम को कथा नहीं करेंगे, हम दोनों अर्थात हयग्रीव प्रभु भक्तिदर्शील माधव गोसाई महाराज और भक्ति रक्षकशील श्रीधर गोसाई महाराज, हम दोनों ही कथा करेंगे। तो इन्होंने बड़े मुश्किल से उनके अंडरटेकिंग को क्या किए ना, स्वीकार किए। कैसे स्वीकार किए, बोल रहे हैं कि जो भक्ति सर्वसगिरी गोसाई महाराज है वो एक बार इतने निर्भीक थे प्रभुपाद के जो पार्षद, एक बार किया गया ना पूरा टांगा में लेके कलेक्टर के यहाँ पे चले गए। और इन्होंने क्या किया ना, जो सेंट्रल कलेक्टर के साथ इनका पूरा क्या था ना, घनिष्ठ संबंध था। तो उसी वजह से इन्होंने भक्ति दयाशील माधव गोस्वामी महाराज ने उस जगह पे बोले कि भक्ति सर्वसगिरी गोस्वामी महाराज, उनके नाम सुनते ही वहां सेंट्रल से कॉल आ गया कि इनको क्या करो ना, आप यहाँ पे कथा करने के लिए अनुमति दे दो। तब कलेक्टर ने उस सिलेट जो गांव था वहां के कलेक्टर ने क्या किया कि हाँ मैं लिख के दे रहा हूं, लेकिन कल जो शाम को वो कथा किए थे वो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उनके बोलने से स्थानीय लोग को क्या हुआ है ना, भड़क गए। तब इसके बाद क्या हुआ, उसी जगह पे जब उन्होंने तो लिख दिया और कुछ पुलिस फोर्स को भी भेज दिया और शाम को कथा हुआ, तो पहले सर्वप्रथम श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी प्रभु ने शिष्य भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज उन्होंने क्या किया ना, कथा परिवेशन किया और ब्रह्मवाद का खंडन किया और बहुत बहुत तत्व विचार के ऊपर में कथा बोले। फिर उसके बाद शिष्य भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज कथा शुरू किए और सर्वप्रथम उन्होंने कथा बोलते ही मायावादियों का खंडन स्पर्श से ही किया और थोड़ा थोड़ा कथा बोलते बोलते बोलने लगे कि तब उन्होंने बोलने लगे कि जैसे चीज जगत के बारे में भी बोलने लगे, वहां पे तो बहुत बड़े विस्तृत है लेकिन सिंपली तो देखा जाए ना, उनको वो विचार है वो श्रवण करेंगे, आरती का समय भी हो रहा है, कि उन्होंने बोलने लगे कि सर्वश्रेष्ठ अवतार समूह है, अवतार अवतार से भी ऊपर वैकुंठ जगत और वैकुंठ जगत में ऐसे उसके ऊपर अयोध्या, अयोध्या के ऊपर मथुरा, मथुरा के ऊपर गोलोक वृंदावन, वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, ऐसे इसी क्रम में बोलते बोलते अंतिम में उन्होंने बोला कि जो दो बात उन्होंने बताया वहां पे सभा पे, कि एक बात तो बताया कि जो कृष्ण है वो क्या है ना, सारे के सारे प्रमाण देके बोले कि एते जान सकला कुंसम कृष्णस्तु भगवान सम, बहुत सारे प्रमाण देके बोले कि स्वयं कृष्ण ही भगवान है। और कैसे चैतन्य महाप्रभु शास्त्र में कहां कहां पर प्रमाण है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप है। अब दूसरी बात इन्होंने बताया कि हम तो केवल प्रभुपाद के, ये पूरा एग्जैक्ट वाणी है श्रीमद भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज के, इनके एक आर्टिकल्स में भी इन्होंने लिखे थे, कौन इनके आर्टिकल्स में श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज अपने एक
पत्रिका में गौरंग वाणी पत्रिका जो निकलता है, इन्होंने एक जगह पे लिखे है कि श्रीमद् भक्ति रखे सिद्ध गोस्वामी महाराज ने बोले कि हम प्रभुपाद के बस क्या है ना, सैनिक है। इसी बात को हम मैं पहले से और एक तिथि में बोला था, भक्तिनोद ठाकुर की तिथि में शायद, कि प्रभुपाद के सैनिक का मतलब क्या बोल रहे हैं। ये वास्तविक में जो है इन्होंने सैनिक के रूप में आए हैं, हम प्रभुपाद के सैनिक है और हम प्रभुपाद के बस संदेह वाहक है, हम भगवान के संदेह वाहक है, हम अपने गुरुवर्ग और ठाकुर जी जो चीज को देना चाहते हैं उसके बस हम मैसेंजर है। अब हमारे मैसेंजर को अगर कोई अगर विरुद्धाचरण करेगा कि कोई बोलेगा कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो हमको नहीं बोल के डायरेक्ट जाके चैतन्य महाप्रभु को बोले, क्योंकि हम उनके जो वाणी है उसको प्रचार कर रहे हैं, हम रूप गोस्वामी को वाणी को प्रचार कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी जो रघुनाथ दास गोस्वामी जो गोस्वामी वर्ग उनके वाणी को हम प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण को वाणी को हम गीता को प्रचार कर रहे हैं। अब कोई बोलेगा कि गीता में ये नहीं होना, ये यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए, कृष्ण ने यहाँ पे ऐसे बोलना चाहिए, वो डायरेक्ट जाके कृष्ण से बोले। अब रूप गोस्वामी ने जो चीज भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि किरण आदि में जो दिया, हम उसको प्रचार कर रहे हैं, और कोई विद्वान बोलेगा कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो वो रूप गोस्वामी पास को जाके शिकायत करे, उनसे कंप्लेन करे, क्योंकि हम तो बस केवल उनके दूत ही है। तो इसमें तो बाहर से तो बोल रहे हैं कि दूत है, लेकिन ये प्रभुपाद के अतुलनीय सैनिक है। जैसे उसी बार उसी तिथि में भी इसी बात को स्पष्ट करके बोला गया था कि जब इसको ये बोल के कथा को मैं समाप्त करता हूँ, कि एक बार प्रभुपाद बोलने लगे क्या ना, जो महाप्रभु है वो है क्या है ना गौड़ीय वैष्णव का कैप्टन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, और जो उनके जो अनुगत स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये गौड़ीय वैष्णव का नियंता, इनके पास क्या करना चाहिए ना नियुक्ति देना चाहिए, और जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये क्या है ना ये है उनके जो कैप्टन का सेनापति, और इनके आनुगत्य में जो भक्ति विनोद ठाकुर और जो प्रभुपाद हैं ये उनके एक एक अतुलनीय जिसका किसी से भी तुलना नहीं किया जा सकता है जागतिक सैनिक के साथ, ये एक एक अतुलनीय बलशाली सैनिक है। और इन्होंने क्या किया कि भक्ति विनोद ठाकुर और प्रभुपाद ने इनके वाणी के द्वारा इनके विचार के द्वारा इन्होंने सारे के सारे अपने जो सैनिक के गण है जो सैनिक के साथ रखते हैं क्या बोलते हैं उसको सब कैप्टन सब सैनिक, तो इन्होंने क्या किया उनको वो विचार को दिया, और वो लोगों क्या के ना जाके सैनिक का क्या काम क्या होता है ना बाहर जाके गोली फोड़ देते हैं। अब ये किस चीज पर गोली फोड़े ना कर्मियों के विचार पर, ज्ञानियों के विचार पर। अब ये जिस जगह पे प्रचार करने गए उसी जगह पे ये कर्मी के ऊपर क्या के ना अपने जो गुरुवर्ग का सिद्धांत ऐसे रूप में दिया उसको क्या के ना खंडन हो गया, और ऐसे रूप में वो तत्व को वहां पे स्थापन करते ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले भक्ति रक्षक सिद्ध गोस्वामी महाराज ने ऐसे मात्रा में कृष्ण का जो क्या बोले ना कृष्ण का जो भगवत्ता को वहां पे प्रकाशित करा, पहले कोई वो वहां पे सुने ही नहीं थे और सुन के सब लोग गदगद हो गए, और उन्होंने फिर अंतिम में बोला कि ऐसे राम कृष्ण परमहंस शंकराचार्य आदि जितने भी है उनके तुलना क्या कृष्ण से किया जा सकता है। तो सबके जो मति थे भ्रमित हो गए थे, वो क्या हो गया ना पूरा का पूरा शुद्ध हो गया। तो ऐसे हमारे गुरुवर्ग है वो क्या करते हैं ना प्रभुपाद के कैसे जो मनोभीष्टता वास्तविक प्रभुपाद की जो मनोभीष्टता है और उसको क्या करते हैं ना उसी रूप में क्या करते हैं उसी भाव में सेवा करते हैं। तो आज तो समय हो गया, हम तो और विशेष कुछ नहीं जानता, लेकिन जितना भी गुरु वैष्णव के मुख से सुना हूं थोड़ा थोड़ा उनके गुणगान किया, और कभी हमारे गुरुवर्ग हमको कृपा करे, और पहले बार शायद गुरुदेव यहाँ पे है और गुरुदेव के साथ हमारे परम गुरुदेव के एक साथ में तिथि हुआ, पहले मैं तो कभी परम गुरुदेव की तिथि में आया हूँ लेकिन वहाँ पे जाते हैं हम लोग लेकिन गुरुदेव नहीं रहते हैं, और मैं कभी भी शायद ब्रज में जब परिक्रमा होता है उस समय भी परम गुरुदेव का तिथि आता है, तब मैं ब्रजमंडल परिक्रमा भी तो कभी गया नहीं। तो आज विशेष सौभाग्य है कि गुरुदेव के आनुगत्य में ही परम गुरुदेव का तिथि का पालन करने का शुभ अवसर और सौभाग्य वो दर्शन करने के लिए मिला, और गुरुदेव से के मुख से उनके कथा कीर्तन को विशेष रूप में श्रवण करने के लिए मिला, और बड़े ही आज सौभाग्य है कि हमारे गुरुजी यहाँ पे है और आज यहाँ पे परम गुरुदेव की तिथि आज उपस्थित हुआ है।
हम उनके कृपा करते हैं कि प्रभुपाद के जैसे उन्होंने जिस भाव में मनोविष्ट को पूर्ण किया, हम भी अपने गुरु जी के उसी मनोविष्ट को पहले स्पर्श करे, पहले जान पाए और उसी भाव में जन्म जन्मांतर में उनकी सेवा करे। इसी प्रार्थना करके उनके जन्म वाचनी पुष्पांजलि देता हूँ। आज किसका नंबर है याद करके ना? कहाँ है वो? हाँ, कोई सेंट नहीं।